अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक से अंत्याय आसान तरीके से लेसन नंबर 124। हम सीख रहे हैं शॉपिंग टू, तो चलते हैं देखते हैं क्या लेसन है आज। विच ऑफ दिस इज द डॉलर, इन में से डॉलर कौन सा है, द डॉलर को स्पेनिश में क्या बोलेंगे। एल डॉलर, एल डॉलर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज 15, इन में से 15 कौन सा है। 15 को क्या बोलते हैं, 15, तो 15 को स्पेनिश में क्या बोलेंगे। 15, 15। El niño quiere 10 pesos. El niño quiere 10 pesos. इसके माने होते हैं लड़का 10 pesos चाहता है, लड़का 10 pesos चाहता है। इसे जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में। द बॉय वांट्स 10 पैसोस, लड़का 10 पैसोस चाहता है। आगे बढ़ते। विच ऑफ दिस इज 14, इनमें से 14 कौन सा है। 14 को क्या बोलते हैं हम, 14, तो 14 को हम स्पेनिश में क्या बोलेंगे। 14, 14। आगे बढ़ते। हाउडी सर, 14 को आप कैसे कहते हैं। 14 के माने होते हैं 14, तो 14 को आप स्पेनिश में क्या बोलेंगे। 14। आगे बढ़ते। ¿Cuánto cuesta la camiseta verde? ¿Cuánto cuesta la camiseta verde? इसके माने होते हैं हरी, हरी टी शर्ट की कितनी कीमत है, हरी टी शर्ट की कितनी कीमत है। तो इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में। हाउ मच इज द ग्रीन टी शर्ट, हरी टी शर्ट की कितनी कीमत है, हरी टी शर्ट कितनी कितने की है। आगे बढ़ते। Los pantalones cuestan $13. Los pantalones cuestan $13. इसके माने होते हैं पैंट्स की कीमत $13 से, पैंट्स की कीमत $13 से। इसे हम लोग किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में। द पैंट्स कॉस्ट $13, पैंट्स की कीमत $13 है। आगे बढ़ते। हाउ डू यू से 13, 13 को आप कैसे कहते हैं, 13 के माने होते हैं 13, तो 13 को आप स्पेनिश में क्या बोलेंगे। 13। आगे बढ़ते। डू द शूज कॉस्ट अलॉट, इसके माने होते हैं क्या जूतों की कीमत ज़्यादा है, क्या जूतों की कीमत ज़्यादा है। इसे जुमले को किस तरह बोलेंगे हम स्पेनिश में, देखते हैं इनमें से सही ट्रांसलेशन कौन सी। आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। सही ट्रांसलेशन है ये वाली, लो ज़पातोस क्वेस्टन मूचो, क्या जूतों की कीमत ज़्यादा है। डू द शूज कॉस्ट अलॉट। आगे बढ़ते हैं। प्यार मैच करते हैं, बाथरूम के माने क्या होते हैं स्पेनिश में। बाño, लिटिल के माने होता है छोटा, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे। पोको, बुक्स के माने होता है किताबें, तो स्पेनिश में क्या बोलते हैं बुक्स को। लिब्रोस। 13, 13 के माने होता है 13, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे। 13। 4 के माने होता है के लिए, तो स्पेनिश में क्या होगा। पारा। आगे बढ़ते। दोस पैंट्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, इसके माने होते हैं ये पैंट्स बहुत कीमती हैं, ये पैंट्स बहुत कीमती हैं, या इन पैंट्स की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम स्पेनिश में।
those paints cost a lot of money. इसके माने होते हैं उन वो पेंटें बहुत कीमती हैं या उन पेंटों की कीमत बहुत ज़्यादा. तो इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम स्पेनिश में? सही ट्रांसलेशन है इनमें से ये वाली, एसोस पेंतालोनेस क्वेश्चन मूचो दिनेरो, उन पेंटों की कीमत बहुत ज़्यादा है या वो पेंटें बहुत कीमती हैं. दोज पेंट्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. आगे बढ़ते हैं, पेयर मैच करते हैं. 15 के माने होता है 15, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे 15 को? किंसे. ब्रेड के माने होता है रोटी, तो स्पेनिश में क्या होगा? पान. क्लॉथ्स के माने होता है कपड़े, तो स्पेनिश में क्या होगा? रोपा. टू स्पीक के माने होता है बोलना. टू स्पीक के माने होते हैं बोलना, तो स्पेनिश में होगा? Hablar. There is को क्या बोलेंगे स्पेनिश में? Hay. आगे बढ़ते, हाउ मच इज दिस रेड हेड, इसके माने होते हैं ये लाल हेड कितने का है? ये लाल हेड कितने का है, इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम स्पेनिश में? देखते हैं इनमें से कौन सी सही ट्रांसलेशन है. आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ इनमें से सही ट्रांसलेशन कौन सी है. सही ट्रांसलेशन है ये वाली, क्वांटो कुस्ता एस्ता साम्ब्रेरो रोखो, इस लाल हेड की क्या कीमत है या ये लाल हेड कितने का है? हाउ मच इज दिस रेड हेड. आगे बढ़ते हैं, तू पागास 14 पेसोस, इसके माने होते हैं आप 14 पेसोस अदा करते हैं, आप 14 पेसोस अदा करते हैं. इसी जुमले को किस तरह लिखेंगे हम इंग्लिश में? यू पे 14 पैसोस, आप 14 पैसों अदा करते हैं. तू पागास 14 पैसोस. आगे बढ़ते हैं, द हेड कॉस्ट $15, इसके माने होते हैं हेड की कीमत $15 है. हेड की कीमत $15 है या हेड $15 का है? इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम स्पेनिश में? सही ट्रांसलेशन है इसमें से ये वाली, एल सोम्ब्रेरो कोस्ता किएंसे डॉलरेस, हेड की कीमत $15 है. द हेड कॉस्ट $15. आगे बढ़ते, आई डोंट हैव $13 नाउ, इसके माने होते हैं मेरे पास अब $13 नहीं है. मेरे पास अब $13 नहीं है, ऐसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम स्पेनिश में? Tengo. $13 ahora. No tengo $13 ahora. अब मेरे पास $13 नहीं है. I don't have $13 now. आगे बढ़ते, I have 10 pesos for you. इसके माने होते हैं मेरे पास 10 pesos हैं आपके लिए, या मेरे पास आपके लिए 10 pesos हैं. इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम स्पेनिश में? I have को क्या बोलेंगे? Tengo. 10 pesos para ti. Tengo 10 pesos para ti. आपके लिए मेरे पास 10 pesos हैं. I have 10 pesos for you. तो ये तो था आज का लेसन. अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.